कर आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 7। मैं हूँ श्रीकांत पांडे। डुमरियागंज उधौली मार्ग पे जो 11,000 वोल्टेज की सप्लाई लाइट की है, देखिए खंभा टूट गया तूफान से, और इस तूफान और खंभे के चपेट में अगर बिजली रहते कोई भी व्यक्ति आ जाता तो शायद वो बच जाता। देख सकते हैं आप, कई बार इसका जो है प्रार्थना पत्र के माध्यम से शिकायत भी किया गया, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी लापरवाही की नींद सोते हैं। इस विषय पर जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ कुछ मौजूद हुए जो राहगीर हैं, यहाँ के लोग हैं और अधिकारियों से। आइए इसी पे दिखाते हैं एक रिपोर्ट। खंभा ये पहले 3 महीने के पहले पीडब्ल्यूडी वाले ने तोड़ दिया था जी, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अगर लाइट होती तो क्या होता? तो बहुत लोग का दुर्घटना होता। अच्छा, ये टूटा हुआ था पहले से? आज आंधी तूफान ने पूरा काम कर दिया, आंधी तूफान ने पूरा गिरा दिया। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले? क्या नाम है आपका? सूर्यकांत। सूर्यकांत जी, बताएं कि कोई हादसा तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं, हादसा नहीं हुआ। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? और क्या कहना चाहेंगे, लग जाए बस जी। क्या नाम है आपका? लाइट होती तो क्या होता? बहुत बड़ा खतरा होता। बहुत बड़ा खतरा होता। तो ये पहले से टूटा हुआ था खंभा? पहले से। अच्छा, रोड जब बन रहा था इसकी सूचना दी गई थी? सूचना दी और विभाग देख रहा था। विभाग देख रहा था, फिर भी सो रहा था। मौके पर रोड के ऊपर आम पब्लिक चलती है, आम अधिकारी चलती है, मेन रोड है जी, इसमें क्या अधिकारी नहीं देख सकते खंभा टूटा हुआ है। अच्छा, लाइट रहती अगर किसी के ऊपर डैमेज तो इसका मतलब वो आदमी खत्म। तो लाइन किसका व्यवहार करता है किसी से? जी 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 जी। तो क्या संदेश देंगे? संदेश यही देंगे कि बिजली विभाग आकर के अपना सतर्क करे, अपना काम करे, जितने भी डैमेज खंभे हैं सबको बरसात के पहले सही किया जाए, नहीं कभी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी 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 जी। धन्यवाद आपका। राजा श्रीवास्तव। ये खंभा गिर गया है डुमरियागंज और उधौली मार्ग पे, और इसमें लाइट 11,000 का वोल्टेज लगभग है। लाइट होता तो क्या होता? लाइट होता तो इसमें काफ़ी दुर्घटना होने के चांसेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी रोड चलता फिरता है, इस पर काफ़ी लोग आम जनमानस का आना जाना लगा रहता है, दुर्घटना के ज़्यादा चांसेस थे। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से काफ़ी भारी दुर्घटना हो सकता था जी, और कर्मचारी चैन की नींद सो रहे हैं जी, उनको किसी भी उससे कुछ लेना देना नहीं है जी। सर पे अधिकारी लोगों को क्या संदेश देंगे हमारे मीडिया माध्यम से आप? अधिकारी काम में काफ़ी सुस्त हैं जी, वो समय पे कोई कार्य करते नहीं जी, यही संदेश देना चाहेंगे सर जी।